आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परफेक्ट फिटिंग के लिए कुर्ती में प्लेट्स कैसे डाले जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी मेजरमेंट के अनुसार कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट पीस है और ये बैक पीस है। और अब प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले हम टॉप से मेजर करेंगे अपना बस्ट पॉइंट प्लस हाफ इंच। बस्ट पॉइंट है हमारा 11 इंच, उसमें हाफ प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11.5 इंच। और विड्थ में हम लेते हैं 3 to 3.5 इंच। इस कुर्ती में मैं 3 इंच ले रही हूँ। और प्लेट की लेंथ होती है 6.5 से 7 इंच। मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। और इधर से भी क्रॉस मार्क लगाएंगे 3 इंच का और इसको हम मैच कर देंगे। ये हमारा लॉन्ग फिटिंग प्लेट आ जाएगा। अब इधर से ऐसे आर्म होल की तरफ हम लेंगे 2 इंच। इसकी रेंज होती है 1.5 से 2.5 इंच के बीच में। और ये हमारी जो फिटिंग की लाइन है यहां पर से हम नापेंगे 5 से 7 इंच के बीच में। जहां भी इसको स्लांट मिलता है लाइन को, वहां हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम इस प्लेट से, जो ये हमारी स्लांट प्लेट है, इससे हम जितना हमने इधर मेजर किया था उतना ही हम ऐसे इस तरफ मेजर करेंगे क्रॉस में। और यहां पर एक मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम इस पॉइंट से मिलाते हुए आर्म होल की तरफ मैच कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के एक साइड के प्लेट्स हो जाते हैं। इसको हम ओपन करके दूसरी साइड भी इसको टैप करके प्लेट्स को डाल लेंगे। बैक में हमारा सिर्फ ये एक लॉन्ग प्लेट डलता है, यानी कि जितना हमने इसमें लिया था फ्रंट में उतना ही बैक में लेंगे 11.5 इंच। और इधर से 3 इंच और लेंथ में 7 इंच। इसको मैच करके बैक में केवल ये प्लेट डलता है। इसको भी हम दूसरी साइड टैप करके लेके आएंगे तो बैक में 2 प्लेट्स हो जाते हैं और फ्रंट में हमारे ये टोटल 6 प्लेट्स आ जाते हैं, जो हमारी कुर्ती को अच्छी फिटिंग देते हैं। और प्लेट में ये हमारा फिटिंग का प्लेट होता है तो इसको यहां से 1 इंच तक ब्रॉड चला जाता है दोनों साइड से ऐसे लेके जब सिलते हैं। और ये दोनों प्लेट्स हमारे 1/2 इंच के डलते हैं। जब इसकी स्टिचिंग करते हैं तो इस प्रकार स्टिचिंग होती है, यहां से थोड़ा कम और सेंटर में, यानी कि जहां हमारी कमर की लाइन है वहां पर मैक्सिमम होता है और फिर वापस ऐसे मिनिमम होता हुआ यहां तक मिल जाता है। इस प्रकार से। और ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये हमारी जो मशीन का एक पैर होता है उसके अनुसार डलते हैं, जो चौड़ाई में 1/2 इंच तक आ जाते हैं। दोनों साइड प्लेट्स बनाने के बाद ये इस प्रकार दिखाई देंगे। स्टिचिंग के दौरान प्लेट्स डालने के बाद हम कमर से दोबारा ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि यहां पर फिटिंग का प्लेट आने के बाद कमर से ये ड्राफ्टिंग जो है थोड़ी इनर साइड में चली जाती है। तो ये हो गई मेरी वीडियो कंप्लीट।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।